हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन कलर्स। दिस इज़ रीना। आज हम आपके लिए प्यारा सा स्नो हाउस बनाएंगे, वो भी घर में पड़े वेस्ट मटेरियल के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें घर में रखा कोई भी एक ग्लास जार ले लेंगे, एंड देन एक पेपर लिड ले लेंगे, प्लास्टिक की हो किसी भी कंटेनर की। और हमें न्यूज़पेपर चाहिए, घर में मिल जाता है, आसपास से मिल जाता है, अगर नहीं लेते तो सिर्फ ये तीन चीज़ों से। सबसे पहले मैंने इस लिड को लिया और उस पर थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर कर दिया ताकि उसका बेस कलर ना दिखे, क्योंकि स्नो हाउस बना रहे हैं तो वाइट कलर का हमें ज़्यादा यूज़ करना है, तो नीचे का बेस कलर ना आए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। नेक्स्ट मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है, ओके, उसका हाफ शीट ले लिए। उसको इस तरीके से रोल करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए, इस काम को आपने बहुत स्लो और बहुत आराम से करना है, तभी आपकी स्टिक अच्छे से बनेगी, अदरवाइज़ आपकी स्टिक लूज़ बनेगी और क्राफ्ट भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसको आपने ऐसे रोल करते जाना है, साइड में थोड़ा सा ग्लू ज़रूर लगा लीजिए जिससे पूरी जो आपकी स्टिक है वो चिपक जाए, बीच बीच में से पेपर हटे ना जब आप उसको काटोगे। तो देखिए, ये मेरी एक स्टिक पूरी बनके रेडी हो गई है। ऐसे ही मैंने पहले कुछ स्टिक्स बनाकर रख ली थी जो मेरी ऑलरेडी हैं, रेडी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्लास जार को लेंगे और उस स्टिक को उस ग्लास जार के अकॉर्डिंग एक मैंने मार्क किया जितना मुझे चाहिए, ठीक है। उसको वहाँ से हम कट कर देंगे और उसी के सेम साइज़ की और भी स्टिक्स को हम लोग कट करते जाएंगे। देखिए, ये निशान देख लीजिए, इतनी आपको स्टिक लेनी है। ऐसे सारी स्टिक इक्वल साइज़ की मैंने ले ली है। देन मैंने उसमें एक विंडो क्रिएट करनी है जिसको मैन्युअली मैंने सेट किया है। यहाँ मैंने ग्लू लगाई उसके ऊपर विंडो के लिए, ये स्टिक पेस्ट करते गई जो मैंने अलग से मैन्युअली सेट किया था। देखिए, मैंने यहाँ फेविकोल का यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर मैं फेविकोल का यूज़ करती तो वो थोड़ा सा ना वो हट रही थी, चिपकने में टाइम ले रही थी, तो मैंने क्या किया, वहाँ पर फेविकोल ऑल फिक्स का यूज़ किया है, उसे मैंने लगाया और जल्दी जल्दी उसको पेस्ट करती चली गई। ऐसे ही आराम आराम से मैंने इस पर पूरे पर इसको स्टिक्स को पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया था, इंस्टेंट मैंने उसका उस पर काम नहीं किया क्योंकि फिर वो जब तक ड्राई ना हो तो मज़ा नहीं आता काम करने में। देखिए, ड्राई हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छे से उसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने वाइट एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है यहाँ पर। पूरे ये जो स्टिक्स मैंने लगाई हैं यहाँ पर आराम से हम करते जाएंगे, आगे पीछे फ्रंट में अच्छे से उसको फिल कर लेंगे ताकि उस पर अच्छा सा इफ़ेक्ट आए और देखने में भी सुंदर लगे। कोई भी काम जब हम आराम से करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है और वो क्राफ्ट भी हमारा बहुत सुंदर बनता है। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये मेरा रेडी है कलर करने के बाद। नेक्स्ट हमने जो लिड रेडी की थी उस पर फेविकोल या ग्लू कुछ भी जो आपके पास है वो थोड़ा सा अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस पर कॉटन लगानी है। अगर मैं वैसे ही कॉटन रखूँगी तो वो हट जाएगी बार बार, तो हल्का सा उसको चिपकाने के लिए मैंने उस पर ग्लू का पेस्ट लगाया एंड देन मैंने उस कॉटन को हल्का हल्का हाथों से चारों तरफ लगाया। अगर लेयर में है, बड़ी लेयर में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे पास थोड़ी कम कॉटन थी तो मैंने उसको अलग अलग करके पार्ट्स में उसको लगाया है। उसके बाद थोड़े जब आपके हार्ड ड्राई होते हैं तो उससे अच्छे से उसको एक लेवल दे दिया। लेवल देने के बाद मैंने उस पर उस ग्लास जार को स्टिक किया। मैंने उस पर इसको पेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं उस पर पेस्ट नहीं करना चाहती थी, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट मैंने एक शीट ली, हार्ड शीट है ये, एक थीन कार्डबोर्ड ही मान लो, उसको एक राउंड शेप दिया और एक कोन बना ली मैंने उसकी। उसको यहाँ से पहले स्टेपल कर लिया स्टिक करने से, ऊपर से मैंने उसके कॉटन को अप्लाई कर दिया एंड देन उसके ऊपर मैंने उसको रखा है। एक्चुअली मैंने उसको स्टिक नहीं किया क्योंकि मुझे उसके अंदर ये लाइट्स डालनी थी। ये लाइट ऐसी थी, कभी तो ऑन हो रही थी, कभी ऑफ हो रही थी, बट मेरा काम तो चला ही दिया इन्होंने। मैंने इस ग्लास जार में इस लाइट को डाल दिया एंड देन ऊपर से इसको हट शेप दे दी, उसको क्लोज कर दिया। देखिए ऐसे, इसलिए मैंने इसे स्टिक नहीं किया था। कभी मैं इसको लाइट को ऑन करके उसको ऑफ भी कर सकती हूँ,
ऊपर से हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, जो भी आपके पास है। मेरे पास तो ये सामान था तो मैंने इसी से इसको डेकोरेट कर दिया, इससे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने इसको ग्लू से पेस्ट कर दिया था। देखिए ये हमारा स्नो हाउस बनकर रेडी है। बताइए आपको ये कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।